Dear students, as Since we are handling different invoices and collecting payments against invoices, we should know different type of payments that we receive and how to handle them. Especially those which do not match one-to-one -one with our invoice. We payment and amount amount invoice payment and invoice value. उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती है मिसाल के तौर पे हमारी इन्वाइस अगर पैसों में है या इस तरह से है कि उसमें थाउजेंड्स के अलावा रुपीस भी आ रहे हैं तो लोग आम तौर पे राउंड फिगर में हमें पेमेंट कर देते हैं अगर हमारी पेमेंट मिसाल के तौर पे नौ हज़ार नौ सौ रुपये है तो हो सकता है कि हमारा कस्टमर हमें दस हज़ार की पेमेंट कर दे जब वो दस हज़ार की पेमेंट करेगा तो आपको नज़र आएगा साफ़ क्लियरली कि इसने जो हमें पेमेंट की है ये ज़्यादा है उस पेमेंट से जो हमने इससे रिक्वेस्ट की थी अब हमें ये सोचना है कि हमने इसको किस तरीके से हैंडल करना है लेकिन आप हैरान हो रहे होंगे कि क्या कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई कस्टमर या क्लाइंट हमें हमारी इन से ज़्यादा पेमेंट कर दे तो जवाब है अक्सर होता है अक्सर होता है इसलिए है क्योंकि वो कस्टमर हमारा एक रेगुलर कस्टमर है और अगर उसने हमें थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दिए हैं तो आने वाली अगली इन्वास में वो एडजस्ट करवा लेगा और होता भी ऐसे ही है और होता है कि बज दफ़ा वो हमें पूरी टोटल ग्यारह हज़ार रुपये लेकिन हमें वो चेक दस हज़ार का ही दे इसी तरह से नौ हज़ार पर भी वो दस हज़ार का चेक दे रहा है ग्यारह हज़ार पर भी हमें दस हज़ार का चेक दे रहा है रीज़न बींग कि उसने एक बनाया हुआ है कि मैंने आप सारी पेमेंट दस हज़ार या उसके मल्टीपल्स पे करनी है तो अगर हमारे पास नौ हज़ार की उससे रिसीवेबल खड़ा हुआ है तो हमें दस हज़ार रुपया देगा ग्यारह हज़ार का खड़ा हुआ है तब भी वो हमें दस हज़ार देगा और ये जो, जो डिफरेंस है वो हम आने वाली इन वॉइसों में एडजस्ट करते चले जाएंगे और इसी तरह से सारे दुनिया में बिजनेस चलते हैं एक दूसरे पर एतम करके और टाइमली पेमेंट करके उनको रिकॉर्ड करके और देख के, के बहुत ज़्यादा तो हमारा रिसीवेबल किसी एक कस्टमर के साथ खड़ा तो नहीं हो रहा अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे कस्टमर ने हमें कोई बड़ी पेमेंट कर दी हो तो हमारा सिस्टम हमें किस तरीके से मदद करता है अगर आपको याद हो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि क्रेडिट नोट क्या होता है और उसको मद्देनज़र नज़र रखते हुए आज हम चेक करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई हमें ओवर पेमेंट करता है तो हमारा सिस्टम हमें मदद करता है किस तरीके से हमें रिमाइंड कराता है और किस तरीके से वो जो एक्स्ट्रा बैलेंस है उसको हैंडल करने के लिए हमें सहूलत देता है तो लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स वंस अगेन वी आर एट आर होम पेज और होम पेज ही हमारा वो पेज है जहाँ से हम सारी नेविगेशन करते हैं और जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम लोग आप देखने लगे हैं कि हम अपनी पेमेंट जो हम रिसीव कर रहे हैं वो किस तरीके से हमने हैंडल करनी है हमारा जो इस वक्त क्लाइंट हम जिसको ट्रैक कर रहे हैं वो है जी क्रिस बेकर और उसके पास अभी जो हमारी पेमेंट्स बाकी हैं उसकी पूरी वैल्यू हमें नज़र आ रही है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लेट मी रिमाइंड यू अगेन ये टोटल अमाउंट है जो उसने हमें देनी थी और उसमें से उसने हमें पार्शली पेमेंट कर दी है तो ये है अमाउंट ड्यू अमाउंट ड्यू का मतलब ये होता है कि अब जो बाकी रह गया है बैलेंस वो नज़र आए तो ये वो बाकी बैलेंस है जो नज़र आ रहा है अगर आप नीचे टोटल देखें तो ये टोटल था ओरिजिनल इन्वाइस का जो हमने उसको की हुई थी और ये जो नीचे आपको टोटल नज़र आ रहा है ये टोटल है जो उसने हमको देना है एक्चुअली इस वक्त क्योंकि उसने हमें पार्शली कोई पेमेंट की हुई है अब वो क्लाइंट या कस्टमर हमें एक नई पेमेंट करता है और ये पेमेंट हमारे इस वैल्यू से ज़्यादा की है उसने हमें पेमेंट की है क्योंकि वो राउंड फिगर में करता है वो हमें एक लाख सत्तर हज़ार रुपये की एक लम सम पेमेंट कर रहा है अब हमने उसे हैंडल करना है और देखना है कि हम उसको अपनी इन्वाइस पे किस तरह से ब्रेक करते हैं यह हमारी इनवाइस पूरी तरह कवर हो रही है और यह भी हमारी इन्वाइस पूरी तरह कवर हो रही है अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ओवर पेमेंट और ओवर पेमेंट बाई सेवन हंड्रेड एंड एट्टी इसका मतलब यह है कि उसने जो हमें लमसम अमाउंट दी है वो उसकी टेबल इन्वाइस से ज़्यादा है वैल्यू में इसलिए उसने हमें सात सौ अस्सी एक्स्ट्रा दे दिए अब हम पे मुनसर है कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करें हमारे पास ये दो ऑप्शन दे रहा है लीव द क्रेडिट टू बी यूज लेटर और दूसरा है रिफंड द अमाउंट टू द कस्टमर लीव द क्रेडिट टू बी यूज लेटर का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक क्रेडिट के तौर पे अकाउंट में पड़ी रहेगी और जब भी नई इन्वॉइस बनेगी हमारे पास ये ऑप्शन होगी कि हम ये अमाउंट उस नई इन्वाइस में एडजस्ट कर दें दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको ये अमाउंट चेक की सूरत में रिफंड कर दें ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं लेकिन आम तौर पे जब आपका रनिंग बिजनेस होता है और आपका किसी कस्टमर के साथ मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इतनी छोटी सी अमाउंट आम तौर पे रोल ओवर यानी कि अगले आने वाले इन्वासेस के लिए छोड़ दी जाती है हो सकता था कि हमारा जो उसे रिसीवेबल होता वो एक लाख सत्तर से ज़्यादा होता और वो हमें जो एक चेक देता वो एक लाख सत्तर का होता उस केस में जो छोटी अमाउंट रह गई थी वो हम आने वाले बिलों में एडजस्ट कर सकते थे इस केस में उसने हमें ओवर पेमेंट दे दी है और हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इसको आने वाले किसी भी इन्वास पे इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं पहली सूरत में हम ये करते हैं कि हम इसको एक नेक्स्ट इन्वाइस में इस्तेमाल करके देखते हैं हमारे पास ओवर पेमेंट है सात सौ अस्सी डॉलर की याद रखिएगा अब जैसे ही हमने इसे सेव एंड क्लोज कहा यह हमें तीन ऑप्शन दे रहा है ये कहता है कि इसका क्रेडिट मेमो बना दो क्रेडिट मेमो का पूरा डिटेल एक लेक्चर आपने सुना हुआ है और हम चाहें तो उसका क्रेडिट मेमो बना सकते हैं और अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हमें इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है क्यों हमें पता है कि फौरी इसकी रिक्वायरमेंट आएगी और हमें इसको एक नई इन्वॉइस बना के देनी होगी तो हम कहते हैं कि फ़िलहाल बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर हमसे गलती हो गई तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं लेकिन हमसे कोई गलती नहीं हुई वी नो दैट वी हैव टू पे हेम अ क्रेडिट ऑफ सेवन हंड्रेड एंड एटी डॉलर्स वो हमें पता है हम इसे ओके कर देते हैं अब इस कस्टमर को हमने सात सौ अस्सी डॉलर देने हैं फौरी तौर पर उसकी एक इन्वाइस हमारे पास आ गई उसने कोई हमसे चीज़ खरीदी और हम उसका एक इन्वाइस क्रिएट करने के लिए पहुँच गए सबसे पहले हमने अपना वही कस्टमर सेलेक्ट किया क्रिस बेकर अब हमने उसे दो हैंडल बेचने और हमारे पास अगर आपको याद हो एक ऑप्शन थी कि इसको हम क्रेडिट जो हमने 780 डॉलर्स का इसका रखा हुआ है वो हम यहाँ अप्लाई कर दें उसका तरीके कार ये अगर आप ऊपर देखें तो एक लिखा होगा अप्लाई क्रेडिट्स हमने अप्लाई क्रेडिट्स को दबाना है और जितना भी क्रेडिट इसका बचा हुआ वहाँ पड़ा है वो सारा का सारा इफेक्ट में आ जाएगा इस इन्वॉइस के ऊपर लेट्स डू इट अच्छा जैसे ही आप उसे कहेंगे वो कहेगा कि ये जो आपने पूरी की पूरी इनवॉइस बनाइए उसे हम रिकॉर्ड करेंगे यू से यस आपने उसे कह दिया यस yes. अब ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास अवेलेबल क्रेडिट कौन कौन से हैं हम इसका पहला वाला क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि इसकी अमाउंट इतनी कम है कि ये तकरीबन आपकी पूरी इनवॉइस को कवर कर लेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने इस पूरी इन्वास के लिए कोई पैसा भी नहीं देना और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि उसके पास क्रेडिट में चीज़ें मौजूद होंगी हमने उसे 780 डॉलर का क्रेडिट दिया था लेकिन ये तमाम क्रेडिट्स उसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुख्तलिफ और जो उससे हमने पैसे लिए हुए हैं और इसके अंदर हम डाले हुए हैं वहाँ से आए हुए हैं इसलिए हम कहीं से भी इसके ये अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं अभी हम अगर देखना चाहें तो हमारे पास वो सात वाला भी क्रेडिट मौजूद है फिलहाल हम इसे चाहे तो ऊपर वाला भी सेलेक्ट कर ले, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक द सेवन हंड्रेड एंड एट्टी डॉलर क्रेडिट ये वो क्रेडिट थे जो हमने अपने क्रेडिट मेमो के थ्रू बनाए थे ये वो क्रेडिट है जो कि हमने अभी अपने सिस्टम को कहा है कि तुम अपने पास रखो तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है वो क्रेडिट मेमो की तरफ से बने हैं और ये हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अपने पास रखा है हम चाहें तो वन से आई एम रिपीटिंग दिस हम इसको भी क्रेडिट मेमो के अंदर जम कर सकते थे लेकिन हमें पता था कि अभी हमने फ़ॉरन एडजस्ट करना है तो हम इसके थ्रू एडजस्ट कर देते हैं ये हमने 780 डॉलर्स वाला जो अमाउंट है वो हमने एडजस्ट की है और अब आप देख सकते हैं इसकी अमाउंट पूरी 3000 डॉलर थी टैक्स के बाद ये बनी और जो हमने पेमेंट अप्लाई की है उसके बाद जो उसका पेबल बचा है वो दो है अच्छा ये बताता चलूँ जो हमारे क्रेडिट मेमो के थ्रू हमने उसको बहुत सारे क्रेडिट दिए हैं हो सकता है कि अभी वो इन डिस्प्यूट हो हमने उन्हें बना तो लिया है लेकिन अभी हमने उन्हें देना नहीं है जब हमारी उससे बात हो जाएगी तब हम उन्हें दे देंगे लेकिन ये तो वो एक क्रेडिट था जो कि फौरी तौर पर उसे दिया जा सकता था क्योंकि उसने की ही हमें ओवर पेमेंट है वो हमने इसी वक्त एडजस्ट कर लिया है और हमने इसे सेव एंड क्लोज कर दिया है अब हम नेक्स्ट इन्वॉइस जब बनाएंगे तो ये जो क्रेडिट था ये अब हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये हैज़ बीन यूजड अप नाउ वी अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास कहीं से ज़्यादा पैसे आ जाएं उस इन्वाइस से जो कि हमने उसको काट के दी हुई है तो उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं हमें हैंडल करने के सबसे आसान तरीका ये है कि उसका हम क्रेडिट अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करें और अगली इन्वाइस पर जहाँ भी एप्लीकेबल हो उसको इस्तेमाल कर लें अगर हम चाहें तो इसका एक क्रेडिट नोट बना के भी रख सकते हैं लेकिन अगर हमें पता है कि हमसे इस क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांज़ेक्शन होनी है तो हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पे फर्स्ट उसकी इनकमिंग इन्वाइस के ऊपर इस चीज़ को एडजस्ट कर लें तो ये तरीका था आपके पास ओवर पेमेंट को हैंडल करने का विद इन क्विक बुक्स